नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज। गाजियाबाद में पदस्थ महिला थाना प्रभारी पर उज्जैन में तीन बदमाशों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में थाना प्रभारी की सहेली भी गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें कि महिला थाना प्रभारी अपने पति और सहेली के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आई थी। रिश्तेदार के घर में रुकी हुई थी। इसी दौरान देर रात तीन युवकों ने घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों महिलाओं की गर्दन पर गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि तीनों बदमाश क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। ये थाना चिमनगंज का घटनाक्रम है जो रात्रि के समय हुआ है। इसमें जो है घर में तीन पुरुष और दो महिलाएं थी। कुछ लोगों ने घर में प्रवेश किया, उसके बाद जो महिलाएं वहां पे सो रही थी उनको अटैक किया है, असॉल्ट किया है उनके ऊपर, तो उसमें चोटें आई हैं उनको। उनको तत्काल ही हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। चिमनगंज थाने में इसमें प्रकरण दर्ज किया गया है। कारण जाना जा रहा है कि घर में प्रवेश करने के बाद सीधे जो है महिलाओं के ऊपर अटैक किया गया है। वो किस कारणवश किया गया है, घर के जो सदस्य हैं उनसे भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। साथ ही जो घटनाक्रम से संबंधित अन्य साक्ष्य हैं घटनास्थल के आसपास, उनको एकत्रित किया जा रहा है। तो